हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी वेनसडे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फटाक से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सबको मार रहा था, लेकिन वो वेनसडे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वेनसडे के फादर से, जिनके ऊपर 30 साल पुराना मर्डर केस था, जब वेनसडे के पेरेंट्स भी नेवरमोर एकेडमी में 30 साल पहले पढ़ते थे। नेक्स्ट डे पेरेंट्स वीकेंड पे सबके पेरेंट्स आए हुए होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उन सब का वेलकम कर रही थी। लेकिन वेंसडे अपने पेरेंट्स को देखकर कुछ खास खुश नहीं थी, जिसके बाद वेंसडे की पूरी फैमिली वेंसडे की थेरेपिस्ट यानी कि किम्बोर्ड के पास जाती है। शरीफ ने भी गैम्बोर्ड एडम यानी कि वेंसडे के फादर को देख लिया था और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसे ही दोषी मानते थे। सेशन में भी वेंसडे के पेरेंट्स आपस में रोमांस करने लग जाते हैं, जहां वेंसडे फिर उन्हें रोकते हुए पूछती है कि मुझे ये बताइए कि ये गैरेट गेट्स कौन है जिसका मर्डर का एग्जाम आपके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन मॉम को वहां बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाती हैं, कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। वेंसडे भी वहां से ये बोलकर चली जाती है कि वो इन सब बातों का पता खुद लगा लेगी। वहीं दूसरी तरफ शरीफ को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में होते हैं, क्योंकि वहां के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, जहाँ सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि मैंने गैरेट गेट्स की ऑटोप्सी की गलत रिपोर्ट बनाई थी और इसलिए इस गिल्ट में मैंने सुसाइड कर लिया है। जिसका साफ मतलब यही है कि वेंसडे के फादर के ऊपर लगा गैरेट गेट्स का मर्डर केस फिर से रीओपन होने वाला है। वही अकेडमी में सब बच्चों के पेरेंट्स लंच कर रहे होते हैं, लेकिन नीट के पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अभी तक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। जहाँ शरीफ आते हैं और मर्डर के चार्जेस में वेंसडे के फादर को पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद थिंग्स और वेंसडे अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर फाइनली 30 साल पहले की उस हुई घटना के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि गैरेट गेट्स तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी मॉम तो मुझसे प्यार करती थी। गैरेट गेट्स एक नॉमी था और तुम्हारी मॉम एक आउटकास्ट थी, जिसकी वजह से गैरेट गेट्स के फादर को उनके प्यार से प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी गैरेट गेट्स तुम्हारी मॉम से एक तरफा प्यार करता था। जहाँ एक दिन उसने मुझे और तुम्हारी मॉम को साथ में देख लिया था और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, वो मुझ पर लगातार अटैक कर रहा था और मैंने भी अपने बचाव में उसे तलवार से गलती से मार दिया और वो मर गया। लेकिन वेंसडे को अपने फादर की बातों पर 50% यकीन था और 50% यकीन नहीं था, तो इसलिए वो शरीफ के पास जाकर बोलती है कि मेरे फादर बिल्कुल निर्दोष हैं, यहाँ पर कोई तो है जो कि मेरे फादर को फंसाना चाहता है। आज ही मेरे फादर आए और आज ही मॉर्ग डॉक्टर ने ये बोलकर सुसाइड कर लिया कि 30 साल पहले उसने कोई गलत रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन शरीफ उसे उल्टा डांटते हुए कहते हैं कि हम अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रहे हैं और तुम्हारे डैड ही गुनहगार हैं। तुम्हारे डैड की वजह से ना सिर्फ गैरेट गेट्स मारा गया, बल्कि उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई, क्योंकि गैरेट गेट्स के मरते ही उसकी मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया था और उसकी बहन भी पानी में डूबकर मर गई। साथ ही वो उसे जेवियर और मॉन्स्टर की डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहती हैं कि ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। जिसके बाद वेंसडे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जो कि 30 साल पहले एक सीक्रेट सोसाइटी यानी कि नाइट शेड की मेंबर थी, जहां वो नाइट शेड सोसाइटी का रियल मतलब वेंसडे को बताती है, क्योंकि वेंसडे को नाइट शेड सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जहाँ वो कहती है कि नाइट शेड सोसाइटी को बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी 400 साल पुरानी पूर्वज गुडी एडम ही थी, जिसका मकसद सारे आउटकास्ट को बचाना था और उसी ने क्रैक स्टोन का खात्मा भी किया था। जिसके बाद वेंसडे अपनी मॉम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि डैड ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा, जहाँ पर फाइनली मॉम सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि उस दिन जब गैरेट गेट्स मुझसे मिलने के लिए आया था, तो उसने मुझे और तुम्हारे डैड को साथ में देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसकी आंखें नीली और उसके मुंह से झाग आ रहा था और वो तुम्हारे डैड को बस मारने ही वाला था, और इसलिए मैंने वो तलवार उठाई और गैरेट गेट्स मुझसे गलती से मारा गया, जहाँ मुझे बचाने के लिए तुम्हारे डैड ने इस मर्डर का इल्जाम अपने सर ले लिया। जिसके बाद वेंसडे गैरेट गेट्स के कब्र की खुदाई करके वहाँ से उसकी उंगली को बाहर निकाल लेती है। लाश की खुशबू उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। वेल तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उसे उसकी माँ को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन वेंसडे के मॉम डैड यहाँ भी नहीं मानते और यहाँ भी रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वेंसडे उन्हें रोकते हुए कहती है कि गैरेट गेट्स के फिंगर बिल्कुल सही सलामत है और उसका रंग भी नीला है, जिसका साफ मतलब है कि वो तलवार से नहीं बल्कि नाइट शेड्स के जहर से मरा है। जहाँ पर तभी अचानक से वेंसडे को विजन आता है और उसे ये पता चलता है कि गैरेट गेट्स अपने फादर के कहने पर सारे आउटकास्ट को मारने के लिए उस दिन स्कूल में गया था और उसके फादर ने उसे जहर की एक बोतल भी दी थी, लेकिन वेंसडे के फादर से लड़ाई करते टाइम वो जहर की बोतल उसी की पॉकेट में फट गई और जहर का सारा असर उसी के ऊपर हो गया, जिस वजह से वो मारा गया। जेल से छूटने के बाद वेंसडे और उसकी मॉम ये सारी बातें जाकर मेयर को बता देती हैं और इसलिए निर्दोष होने की वजह से वेंसडे के फादर को भी छोड़ दिया जाता है।
वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे सबके पेरेंट्स घर वापस जा रहे होते हैं तो वेंसडे के पेरेंट्स उससे मिलते हैं जहाँ उसकी मॉम वेंसडे को वहाँ की ईयरबुक देकर वहाँ से चली जाती है जिसमें 30 साल पुराने सारे स्टूडेंट का डेटा था, जिसे देखकर वेंसडे समझ जाती है कि उसकी प्रिंसिपल रूप बदल सकती है। जहाँ वो समझ जाती है कि रेवन सच में मर चुका है और उस दिन जो रेवन का रूप लेकर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी। जहाँ पर प्रिंसिपल का कहना था कि ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ स्कूल की इज्जत बचाने के लिए किया। नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है और जैसे वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ था कि आग की बारिश होगी, जिसके बाद वेंसडे अपने 400 साल पुरानी पूर्वज यानी कि गुडी एडम को बुलाने की कोशिश कर रही होती लेकिन वो नहीं बुला पाती है। नेट वहाँ पर आती है और वो लोग फिर क्रैकस्टोन की गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर जेवियर और सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर वेंसडे को सरप्राइज दिया हुआ था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और ये बात उन सबको थिंग्स ने बताई थी। लेकिन गुफा के साइड में लिखा हुआ था जब मैं आऊंगा तो शोले बरसेंगे और उसे छूने के बाद ही वेंसडे को एक विजन आता है और उसमें उसे गुडी एडम दिखाई देती है जो उसे एक महल का दरवाजा दिखाती है, साथ ही कहती है कि क्रैकस्टोन आ रहा है। वेंसडे फिर जेवियर से जाके उस गेट के बारे में पूछती है और उसे ये पता चलता है कि वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि ये ग्रेट्स का है। साथ ही वो जेवियर की बनाई हुई अपनी पेंटिंग देख लेती है जिसमें वो वायलिन बजा रही थी और उसे पता चल जाता है कि जेवियर उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन वेंसडे बिना कुछ बोले ही वहाँ से गेट्स के बंगलों के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसे मेयर दिखता है और वो शेरिफ से फोन पे बात करते हुए कह रहा था कि मुझे सच का पता चल गया है और इसलिए वेंसडे भी उनकी गाड़ी में छुपकर चली जाती है। और जैसे ही मेयर सच शेरिफ को बताने के लिए कैफे में जा रहे होते हैं गाड़ी उनको उड़ा के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंसडे टाइलर को कहती है कि वो उसके साथ में डेट पर जाना चाहती है तो इसलिए वो आज रात उससे मिलना चाहती है। साथ में वो अपने नीट को भी लेकर आई हुई होती है ऐसी झूठ बोलकर, लेकिन वो तो उन्हीं गियर गेट्स के बंगलों पर लेकर आई हुई होती है ताकि सब लोग मिलकर सबूत ढूंढ सके, जिससे कि बेचारे टाइलर का पोपट हो जाता है क्योंकि वो तो डेट के लिए वेंसडे के साथ आया हुआ था। वेल तो सब लोग सबूत ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें क्रैकस्टोन की मूर्ति मिलती है जिसकी पूजा उस घर में की जाती थी। साथ ही वेंसडे को गैरल गेट्स की छोटी बहन यानी कि लॉरल गेट्स का एक खिलौना मिलता है जो कि 30 साल पहले डूबकर मर गई थी, लेकिन उसके रूम को देखकर तो यही लग रहा था कि अभी भी वहाँ पर कोई रहता है। जहाँ पर तभी वो मॉन्स्टर टायर पर हमला करके वेंसडे और नीट को पकड़ने जाता है लेकिन वो लोग भाग रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे बेसमेंट में आकर गिरते हैं देखते हैं कि मॉन्स्टर ने मरे हुए सारे लोगों की लाशों से कुछ पार्ट्स काट कर वहाँ पर इकट्ठा किए हुए होते हैं। वो लोग जख्मी टायलर के पास पहुंचते हैं जहां पर जेवियर भी पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो लोग उसे उसके घर ले जाते हैं जहां शेरिफ आ जाते हैं। वेंसडे शेरिफ को मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए फिर से उसी घर में ले जाती है लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो इसलिए शेरिफ वेंसडे को डांट कर उससे कहते हैं कि मेरे बेटे टायलर से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि किसी ने मेयर को मार दिया था। नेक्स्ट डे मेयर के फ्यूनरल पे सब लोग वहाँ पे होते हैं जहाँ पर तभी वेनसडे को एक अनजान आदमी पे शक होता है, वो उसके पीछे भागती हुई जाती है। दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वेनसडे के अंकल फेस्टर थे जिन्होंने वेनसडे को लड़ना सिखाया था और उनके पास बिजली को कंट्रोल करने की सुपर नेचुरल पावर थी। साथ ही वो एक जाने माने चोर थे और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और इसलिए वो यहाँ पर छुपने के लिए वेनसडे के पास आ गए थे, जिसके बाद वेनसडे अंकल फेस्टर को छुपाने के लिए यूकेन के बी हाउस में ले जाती है। फेस्टर अंकल योगेन की मक्खियों को खा रहे होते हैं लेकिन वेंसडे उन्हें ये कह के रोक देती है कि योगेन इन मक्खियों को अपनी बच्ची मानता है तो इसलिए आप उन्हें नहीं खा सकते। वेंसडे के पास मॉन्स्टर का पोस्टर देखकर अंकल उसे बताते हैं कि इसे हाइट कहा जाता है जो कि एक इंसान होता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा भड़काने के बाद वो हाइट बन जाता है। साथ ही वो सीक्रेट सोसाइटी यानी कि नेवर शेड के लॉकर में रखी एक बुक के बारे में बताते हैं जिसमें फॉकनर ने सारे आउटकास्ट के बारे में बताया हुआ है, जिसके बाद उस बुक को वेंसडे थिंग्स की हेल्प से बाहर निकाल लेती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि म्यूटेशन से पैदा हुआ हाइट तब तक शांत रहता है जब तक कि उसकी शक्ति को कोई जगाता नहीं है। जैसे ही हाइट जागता है तो जिसने उसे आजाद किया है वो उसका गुलाम बन जाता है। वेंसडे भी समझ जाती है कि खूनी एक नहीं दो है, एक हाइट और एक उसका मालिक। लेकिन वेंसडे का सबसे पहला शक जाता है जेवियर के ऊपर क्योंकि वो हर इंसिडेंट के बाद वहाँ पर होता था, जिसके बाद वेंसडे अपने अंकल के साथ में जेवियर की साइकिल में टैकल लगाकर उसका पीछा कर रही होती है और वो उसको साइकोलॉजिस्ट किम्बोर्ड के साथ में देखती है जहाँ उसे लग रहा था कि यही दोनों खूनी हैं। जेवियर ही हाइड है जिसे कि किम्बोर्ड ने अपनी थेरेपी के जरिए हिप्नोथेरेपी से जगा दिया है। वेंसडे फिर टायलर से मिलती है जहाँ टायलर उसे डेट के लिए पूछता है, साथ ही वो कहता है कि इस बार तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैंने मॉन्स्टर के उस हमले को सहा है। वेंसडे भी थिंग्स को बुक की हिफाजत के लिए अपने रूम में छोड़कर फिर वो टायलर से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ टायलर ने गुफा को बहुत ही खूबसूरती से सजा कर रखा हुआ था।
दोनों साथ में एक हॉरर फिल्म देखते हैं और उनके बीच बस किस होने वाली थी, लेकिन तभी शरीफ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को देख लेते हैं। सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, तो इसलिए शरीफ ये कहकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वेनेसडे अपने रूम में पहुंचती है, देखती है कि उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है और थिंग्स को किसी ने चाकू मार दिया है, साथ ही बुक भी वहां से गायब हो चुकी है। वेनेसडे बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और वो थिंग्स को लेके सीधा भागते हुए अंकल फीसर के पास जाती है, जहां वो थिंग्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पहली बार वेनेसडे को हमने इस सीरीज में रोते हुए देखा, और वो भी थिंग्स के लिए, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा मोमेंट था, जहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली थिंग्स को होश आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि इस पे पीछे से हमला हुआ था और कोई बुक को भी चुरा कर ले गया। साथ ही वेंसडे अंकल फीस्टर को वहाँ से जाने के लिए भी कहती है, क्योंकि शरीफ को उनके बारे में पता चल गया था, तो इसलिए वो उसे ढूंढ भी रहे थे। नेक्स्ट डे वे अंका वेनेसडे को लुकस के पास लेकर जाती है, जो कि मेयर का बेटा है, जहां वो कहता है कि उसने अपने फादर की कंप्यूटर से एक रिपोर्ट निकाली है जो कि मेयर ने ब्रिटिश पुलिस से मांगी थी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि लॉरा गेट्स, जिसकी मौत 30 साल पहले डूबने से हो गई थी, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। यानी कि यही वो राज है जो कि मेयर शरीफ को बताना तो चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गाड़ी से उड़ा दिया गया था। यानी कि लॉरल गेट्स अभी भी जिंदा है, जो कि सारे आउटकार्ड से अपनी फैमिली की मौत का बदला ले रही है। जहाँ पर वेनेसडे को लग रहा था कि उसकी थेरेपिस्ट यानी कि किम बॉर्ड ही लॉरल गेट है, और इसलिए वो उसके पास उसे मिलने के लिए चाहती है। साथ ही वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन थेरेपिस्ट उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और प्लीज यहाँ से जाओ। फिर जैसे ही वेनेसडे वहाँ से जाती है तो हाइक आता है और वो बहुत ही बेहतरामी से उस थेरेपिस्ट को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में वेनेसडे सीधा जेवियर से मिलने पहुंच जाती है और उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाती है, जहाँ पर जेवियर कहता है कि मुझे भी मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम है और यही कारण है कि वो थेरेपिस्ट से सेशन ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे वेनेसडे को सारी विक्टिम की चीजें मिल जाती हैं और साथ ही उसे उस थेरेपिस्ट का लॉकेट भी मिलता है। शरीफ भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो सब जेवियर को गिरफ्तार कर ले जाते हैं, क्योंकि सब जेवियर को ही हाइक समझ रहे थे। जिसके बाद वेनेसडे टायलर से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ फाइनली दोनों की पहली किस हो जाती है, जिससे कि वेनेसडे को एक विजन आता है और उसे पता चल जाता है कि हाइक कोई और नहीं बल्कि टायलर ही है। वेनेसडे बहुत डर जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाती है, जिसके बाद वो टायलर को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर प्रियंका और बाकी सब लोग भी होते हैं। और प्रियंका अपने सायरन से टायलर को पजेस कर लेती है और उसे बेहोश करके वो लोग जेवियर के पेंटिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ वो उससे सब कुछ पूछ रहे होते हैं। लेकिन टायलर अपनी सच्चाई नहीं बता रहा था, तो इसलिए वेनेसडे को गुस्सा आता है, जहाँ वो उसे सच उगलवाने के लिए उस पर टॉर्चर करने वाली होती है। लेकिन बाकी सब लोग ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं कि वो इसमें उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वेनेसडे पागल हो गई है। ये सारी बातें वो प्रिंसिपल को जाकर बता देते हैं और प्रिंसिपल शरीफ को बता देती है। जैसे ही वेनेसडे टायलर को हथौड़े से मारने वाली होती है, तो शरीफ पहुंच जाते हैं और वेनेसडे को अरेस्ट कर ले जाते हैं। प्रिंसिपल फिर वेनेसडे को बीमार बताकर वहां से छुड़ाकर लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी टायलर उसके पास आकर कहता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ने वेनेसडे को सस्पेंड करके स्कूल से निकाल दिया था, तो इसलिए वो घर जा रही होती, लेकिन जाने से पहले वो प्रियंका को वार्न करती है और कहती है कि सारे आउटकास्ट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिसके बाद वो जाकर सीधा यूकिन से मिलती है, क्योंकि उसे भी अब होश आ गया था, जहाँ वो वेनेसडे को बताता है कि उस रात जिस भी इंसान ने गुफा में आग लगाई थी उसने रेड कलर के बूट पहने हुए थे। जिसके बाद वेनेसडे को सच को पता लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगती और वह सीधा थ्रो हिल के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वही है जो कि रेड बूट्स पहनती है। जहां वो उसे कहती है कि लॉरल गेट तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि टायलर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जहां पर तभी टायलर भी पहुंच जाता है और वेनेसडे कहती है कि तुम जानती थी कि टायलर के फादर एक नॉमी और उसकी माँ एक आउटकास्ट थी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए तुमने टायलर को हाइड बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तुमने उसे गुफा में बांध कर रखा और जब तक वो हाइड नहीं बन गया तुमने उसे टॉर्चर किया। जहाँ पर फाइनली फिर थ्रो हिल भी बोल देती है कि हाँ मैं ही लॉरल गेट हूँ। वेनेसडे को मारने के लिए वो फिर से टायलर को हाइड बनने के लिए कहती है, लेकिन वो टायलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी, क्योंकि प्रिंसिपल के पास यही सुपरनेचुरल पावर थी कि वो किसी का भी रूप बदल सकती है। जिसके बाद लॉरेन प्रिंसिपल को जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे मार डालती है। वेनेसडे को भी बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाती है, लेकिन थिंग्स भी ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, तो इसलिए वो फटाफट से भागते हुए जाता है नीड के पास, जो कि जैक के साथ में अपने रूम में रोमांस कर रही थी। जहाँ पर सारे नाइट शेल्स की मीटिंग होती है और सबको पता चल जाता है कि उनकी प्रिंसिपल मर चुकी है और क्रैकस्टोन जिंदा होकर वापस से आने वाला है, तो इसलिए वो सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हैं। लॉरल वेनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले आई थी,
जहां वो क्रैक स्टोर के ताबूत के चारों ओर सारे मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके लगा रही होती है। साथ ही कहती है कि क्रैक स्टोर मेरे पूर्वज थे जिन्हें तुम्हारे पूर्वज यानी कि गुडी एडम ने मार दिया था और धोखे से उनकी जमीन ले ली थी जहां पे वो नेवर मोर जैसे घटिया स्कूल को चला रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर क्रैक स्टोर को वापस से जिंदा करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पूर्वज गुडी एडम ने जोसेफ क्रैक स्टोन की कब्र पर खून का ताला लगाया है जो कि सिर्फ एडम फैमिली के खून से ही खुल सकता है। जिसके बाद तो वेंसडे का हाथ काट कर क्रैक स्टोन के ताबूत पर लगा देती है और साथ ही वो गुडी एडम की बुक से वो मंत्र भी पढ़ती है जो कि उसने क्रैक स्टोन की मीटिंग हाउस से चुरा ली थी, जहाँ पर बहुत जोर से बिजली कड़कने लग जाती है और सारे मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं और इस तरह से क्रैक स्टोन फिर से जिंदा हो जाता है। जहाँ वो वेंसडे को गुडी एडम समझ के उसे चाकू से मार देता है और नेवर मोर अकेडमी की तरफ निकल जाता है ताकि वो सारे आउटकास्ट को खत्म कर सके। वेंसडे बस मरी रही होती है लेकिन गुडी एडम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊँ तो तुम्हारे सारे जख्म हील हो जाएंगे। जिसके बाद हमें क्रैक स्टोर को मारने के लिए उसके काले दिल पर खंजर से अटैक करना होगा। गुडी एडम वेंसडे के अंदर चली जाती है और वेंसडे पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेवर मोर अकेडमी में वियंका सायरन का यूज करके सारे बच्चों को अपने वश में करके उनकी जान बचाने के लिए उन्हें स्कूल से बाहर निकाल रही थी। नीड पे थिंग के साथ क्रैक स्टोन की गुफा जा रही थी वेंसडे को ढूंढने के लिए, लेकिन फाइनली ब्लडी मून में वो पहली बार पूरी तरह से वोल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेंसडे भी स्कूल की तरफ जा रही थी लेकिन तभी टायलर वहां पर पहुंच जाता है जो कि हाइक में कन्वर्ट होकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी नीड जो कि वेयरफुल बन चुकी थी वो हाइट पर हमला करते हुए वेंसडे को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ नेवरमोर अकेडमी में पहुंच कर क्रैक स्टोन ने पूरे स्कूल में ही आग लगा दी थी ताकि वह सबको एक ही बार में मार सके। हाइड और वेयरवुल्फ की लड़ाई भी बहुत धमाकेदार चल रही थी लेकिन नीड यहाँ पर काफी कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर शरीफ आकर हाइड पर गोली चला देते हैं और जैसे ही वो उसके पास आते हैं तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा टायलर ही है। वेंसडे भी स्कूल पहुंचकर क्रैक स्टोन से बहुत लड़ रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होती है, उसके सामने वो उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी वियंका आकर उसके अंदर तलवार घुसा देती है। जैसे ही क्रैक स्टोन वियंका को मारने लग जाता है तो उसका फायदा उठाकर वेंसडे क्रैक स्टोन के काले दिल में खंजर घुसेड़ देती है जिससे कि धीरे धीरे करके वो मरने लग जाता है और राख में बदल जाता है। जहाँ तभी लॉरेल आ जाती है वो वेंसडे को शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि यागिन ने ही कंट्रोल करके भेजा हुआ होता है, जहाँ पर फाइनली लॉरेल भी मारी जाती है। और वहीं सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि नेवरमोर एकेडमी को थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी प्रिंसिपल जो मर चुकी थी। सब बच्चे आपस में मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जेवियर वहाँ पर वेंसडे को एक फोन देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी कभी मैसेज करके तो बात कर ही लो। जैसे ही वेंसडे अपनी गाड़ी में घर जा रही होती है तो वो फोन में देखती है कि वेंसडे की फोटो किसी ने खींचकर उसको भेजी हुई होती है और साथ ही उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम टायलर को देखते हैं जो कि पुलिस वैन में जा रहा होता है और वो अचानक से हाइट बन जाता है, जिसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि अब इसका सेकंड सीजन भी आएगा क्योंकि हाइट अभी भी जिंदा है और कोई तो है जो कि वेंसडे को मारना चाहता है। और सेकंड सीजन में ये सारे टर्न एंड ट्विस्ट बहुत ही बखूबी यूज किए जाने वाले हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका सेकंड सीजन आए? और अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।